Hello dear students, welcome to another video of solid state chapter. In last video we have discussed basic concept of packing in specifically two dimension, और इस particular video में हम 3D packing को start करेंगे. So अगर आपको याद होगा तो last video में हमने देखा था कि 2D packing के दो basic cases हमें पढ़ने हैं. First one is square close packing, जिसमें एक square base बनता है, और second one is hexagonal close packing, ABAB type packing भी कहते थे उसको, जिसमें हमें हेक्सागोनल बेस मिलता है. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D की बात करेंगे. एक्चुअली विल टेक स्क्वायर बेस एज अ 2D लेयर और फिर उसके ऊपर 3D सिस्टम बिल्ड करेंगे. ठीक है, ओके. सो वी आर टेकिंग 2D बेस एज AAA टाइप पैकिंग. ये नोमेनक्लेचर आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने यूज किया था, जिसे हम स्क्वायर बेस कह रहे हैं. AAA का मतलब है कि पहला लेयर जो है, फर्स्ट अरे जो 1D में रखा गया है, वैसा ही सेकेंड रखा गया और वैसा ही थर्ड रखा गया है. सो एक स्क्वायर सा यूनिट सेल जनरेट होके आता है इसमें, और इसको एक इंटायर 2D सिस्टम बन रहा है, तो इसको एक 2D लेयर लेके अब चलेंगे. एंड नाउ वी विल पुट एटम्स लेयर ओवर इट टू जनरेट 3D लेयर. अब इस 2D लेयर के ऊपर ऐसे और भी लेयर रखेंगे, सो दैट अब अपने को एक 3D स्ट्रक्चर जनरेट किया हुआ मिल सके. जब हम ऐसा काम करेंगे यूजिंग स्क्वायर बेस, तो दो डिफरेंट केसेस जनरेट होंगे स्पेसिफिकली जो हमें पढ़ना है यहाँ पे. फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक 3D लैटिस, एंड सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक 3D लैटिस, जिसे BCC भी कहते हैं. तो एक एक करके हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे. आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें डिस्कस कर लेना चाहिए कि इन ऑर्डर टू एनालाइज एनी स्ट्रक्चर और एनी लैटिस सिमेट्री, ऑलवेज एनालाइज एटलीस्ट 3 यूनिट लेयर्स. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे कि हमने नाम दिया AAA, ABC या जिस भी टाइप का हम नाम दे रहे हैं ABAB, तो हमेशा 3 डिफरेंट लेयर को हमें एनालाइज कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी सिमेट्री को हम एक कांस्टेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब जैसे आपने पहला लेयर देखा ए, फिर लिखा बी, फिर सी, उसका दो सकता है, फिर नेक्स्ट विल बी अगेन ABC टाइप. AAA टाइप है तब भी आप 3 लेयर तक जरूर चेक कर लीजिए, पहला दूसरा तीसरा AAA, और फिर यही चीज़ रिपीट होगी. AB भी हो सकता है, तो फिर भी हम इसको 3 डिफरेंट लेयर तक चेक करेंगे और फिर इसकी सिमेट्री को कांस्टेंट करेंगे. तो हमेशा 3 डिफरेंट यूनिट लेयर्स को चेक करते हैं किसी सिमेट्री को डिफाइन करने के लिए. दूसरी चीज़ ये कि फॉर 3D लैटिस ईच 2D अरेंजमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ लेयर. देखो फर्स्ट जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें हर एक सिंगल 1-डायमेंशनल अरे को एक लेयर मान रहे थे हम, क्योंकि हमें वहाँ 2D जनरेट करना था. अब यहाँ हमें 3D जनरेट करना है, तो जो इंटायर 2D प्लेन में एक लैटिस बना होगा, एक 2D लैटिस जो बना होगा, उस 2D अरेंजमेंट को हम एक लेयर मानेंगे. ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम वैसे लेयर और पुट करेंगे और 3D लैटिस जनरेट करेंगे. जैसे ये जो स्क्वायर बेस जनरेट होके आया था हमारे पास AAA टाइप पैकिंग के कोरस्पॉन्डिंग, जहाँ पे हर एक ए एक 1D लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब 3D के लिए इस पूरे इंटायर सिस्टम को हम एक लेयर ए नाम देंगे, क्योंकि ये पूरा 2D रीजन हमारे लिए एक यूनिट लेयर होगा, जिसको यूज कर करके अब हम 3D में जनरेशन देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिंपल क्यूबिक 3D लैटिस. देखिए सिंपल क्यूबिक 3D लैटिस इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाई अरेंजिंग स्क्वायर पैक सीट ऑफ 2-डायमेंशनल वन ओवर अदर. मतलब देखो जो स्क्वायर लेयर है, जो अभी जस्ट हमने ऊपर देखा, ये एक स्क्वायर लेयर है. जैसे मान लो ये लेयर जो है, ये एक स्क्वायर लेयर है ए, इसके जस्ट ऊपर एक और स्क्वायर लेयर रख दिया ए, और उसके ऊपर फिर एक और रख दिया ए. मतलब एक के ऊपर एक आप स्टैक करते जा रहे हैं स्क्वायर लेयर को. तो जो इसका यूनिट सेल निकल के आएगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिख रहा है, ये यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक निकल के आएगा. इसको हम और ढंग से देखने के लिए यहाँ देखते हैं. देखिए ये 4 एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके जस्ट ऊपर 4 और हमने रख दिया, तो एक क्यूब सा जनरेट हो रहा है. ठीक है, अब एक्चुअली ये जो एटम है यहाँ पे कॉर्नर में, वो टच कर रहे होंगे एक दूसरे को, जैसा अपने को यहाँ पे दिख रहा है. तो ये एक्चुअल फॉर्म में कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, और फिर इसको और भी कंटिन्यूसली स्टैक करते जाएंगे, तो इंटायर 3D लेयर में कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट दिखने वाला है. तो अपने पास जो सिंपल क्यूबिक है, उसको हम कुछ इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं कि एक क्यूब है और उसके हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम अपने को दिख रहा है. तो एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास, आप कह सकते हैं, 8 डिफरेंट एटम्स का इस्तेमाल किया गया है. हर एक कॉर्नर पे रखा हुआ है वो एटम. ठीक है,
जिसको एक्चुअल फॉर्म में देखे तो वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे और इससे मिलता हुआ एक स्क्वायर नीचे भी बना ऊपर भी बना, ठीक है। और अगर मैं इससे स्क्वायर काट के निकाल दूँ तो आप देख पाएंगे हर एक एटम का कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही अंदर है और कुछ पर्टिकुलर पार्ट बाहर होगा। तो कुछ इस तरह से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनने वाला है अपने पास। अब चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं इससे एसोसिएटेड। सबसे पहला है ए और आर के बीच का रिलेशन, वेयर ए जो है ये है साइड लेंथ, ये साइड लेंथ है ऑफ क्यूब, ठीक है, जो क्यूब बना है अपने पास यूनिट सेल में। एंड आर इज रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो क्यूब है, ये क्यूब, इस क्यूब को हमने कुछ साइड लेंथ ए का मान लिया। अब एक्चुअली ये और ये टच कर रहे होंगे जो अपने को यहाँ दिख रहा है, तो हम इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन देखें तो आप देखेंगे ये आर, ये आर, सो वी कैन से ए इज इक्वल टू टू आर। तो पहला रिलेशन है ए इज इक्वल टू टू आर। नेक्स्ट वी आर फाइंडिंग जेड, दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। आपको याद होगा इसका डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं एटम का। तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक कॉर्नर पे जो एटम रखा हुआ है इसका कुछ पार्ट ही अंदर है, बाकी पार्ट बाहर है। तो अगर आप किसी एक कॉर्नर को एनालाइज करेंगे तो इस कॉर्नर के अक्रॉस 8 यूनिट सेल क्यूब के इसको आप कह सकते हैं कि होल्ड करके रख सकते हैं, या इसको कम्प्लीटली सबमर्ज करने के लिए 8 यूनिट सेल लगेंगे ऐसे ऐसे। इसलिए एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 8 हैं, तो 8 × 1/8 विल गिव 1, सो जेड इज इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसका लॉजिकल मतलब ये भी होता है कि आप इस यूनिट सेल के अंदर अगर पूरा का पूरा एक एटम अंदर रख देंगे तो वो जितना वॉल्यूम घेर रहा है उतना ही ये थोड़ा थोड़ा सा मिलके घेर रहा है कॉर्नर पे होने के बाद। नेक्स्ट वी आर डिटरमाइनिंग पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पैकिंग फ्रैक्शन को एक्चुअली एरिया के टर्म में डिफाइन किया था क्योंकि वो 2D था। अब यहाँ पे 3D है तो हम वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करेंगे। सो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर 3D विल बी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम ऑफ इनसाइड द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब जितना स्पेस यूनिट सेल जनरेट कर रहा है उसमें से कितना एक्चुअल स्पेस एटम ऑक्यूपाई करके रख रहा है उसी का फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन होगा। तो इसको निकालने का मेथड देखो, इसको निकालने का मेथड है हम ऐसा कर लेंगे जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि एक एटम का जो वॉल्यूम होगा और जेड जो है ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को दे देगा कि एक्चुअली कितने एटम इफेक्टिवली अंदर होंगे और उसमें हर एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा जो टर्म होगा ये मेरे को वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स दे देगा इन वन यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पर यूनिट सेल क्यूबिक है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी ए क्यूब, तो नीचे हमने ए क्यूब लिखा और स्फेरिकल एटम है तो 4/3 πr³ लिखा, जेड की वैल्यू 1 थी तो 1 इंटू दिस लिख सकते हैं और ए की वैल्यू 2r पुट कर देते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू 2r हमने यहाँ पे निकाली है तो इसको पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद r कैंसिल हो जाएगा और फिर ये सॉल्व करके 0.52 आ जाएगा और इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इट विल बी 52%। तो पैकिंग एफिशिएंसी 52% होगा सिंपल क्यूबिक का। तो हम देख सकते हैं दिस इज नॉट वेरी एफिशिएंट वे ऑफ पैकिंग बिकॉज पैकिंग फ्रैक्शन इज लो, मतलब 52% होने का मतलब ये है कि जितना भी वॉल्यूम यूनिट सेल दे रहा हो उसका लगभग 50% ही एटम ऑक्यूपाई कर पा रहा है, बाकी का 48% के अराउंड खाली है इस एटम यूनिट सेल सिस्टम के अंदर। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ चलते हैं जिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने लास्ट क्लास में सीखा था, इट इज़ एक्चुअली नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, या फिर पर्टिकुलरली इस केस में बात करें तो नंबर ऑफ एटम टचिंग वन पर्टिकुलर एटम इज कोऑर्डिनेशन नंबर। और सिंपल क्यूबिक के लिए ये 6 होता है। इसको समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पे अगर मान लो एक यूनिट सेल को आप कंसिडर करेंगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला है और इसके चारों तरफ अगर हम रख दें तो 8 यूनिट सेल हो जाएगा जिसमें हमारा टेस्ट एटम ये है। तो इसके क्रॉस जो साइड के क्रॉस जितने भी एटम होंगे वो सारे एटम ये टच कर रहा होगा, तो जो भी रेड से मैंने मार्क किया है या जो यहाँ पे ब्लू से नंबर्ड है वो सारे एटम्स टच कर रहा है। तो एक कॉर्नर एटम आप कह सकते हैं 6 डिफरेंट एटम को टच करता है। इसको हम कुछ ऐसे भी देख सकते हैं, मान लो अगर हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है, इस तरह से क्यूब बनाया हमने, अब लेट से मैं इस एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये एटम कौन कौन से टच करेगा उसको देखते हैं। तो देखो ये हर एक साइड के लॉन्ग टच करता है, तो इसको टच करेगा, इधर से इधर भी साइड है इसको भी टच करेगा, इधर से इधर साइड है इसको भी टच करेगा, 3 तो मेरे को यहाँ दिख गए, लेकिन इसके बगल में और भी ऐसे यूनिट सेल होंगे, है ना, तो इसके वाले को यहाँ भी टच करेगा,
ऊपर वह भी होगा उसको भी टच करेगा, फिर इससे आगे निकलता हुआ उसको भी टच करेगा, तो ऐसे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पे। तो नियरेस्ट एटम जो है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए है, तो ए डिस्टेंस पे है और ऐसे 6-6 एटम को ये टच करता है, ठीक है। नेक्स्ट टू द पावर 1, ये एक्चुअली इसे हम नेक्स्ट नियरेस्ट कहते हैं, दिस इज नेक्स्ट नियरेस्ट। नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब है कि टचिंग को छोड़ के जो सबसे नज़दीक है इसके, तो टचिंग को छोड़ के सबसे नज़दीक अगर मेरे को देखना हो तो आप फिर से इसी अरेंजमेंट में आ जाइए, ये इसको टच कर रहा था, बट इससे छोड़ के अगर इस एटम की मैं बात करूँ यहाँ पे जो रूट टू ए डिस्टेंस पे है, तो ये इससे टच नहीं कर रहा, बट आप कह सकते हैं ए से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है रूट टू ए, तो नेक्स्ट नियरेस्ट ये हो जाएगा, तो रूट टू ए पर होगा नेक्स्ट। और ऐसे के ऐसे 12 एटम्स होंगे इसके चारों तरफ। इसको विजुलाइज करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि एक कॉर्नर एटम से एसोसिएटेड, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। एक कॉर्नर एटम अगर हम कंसिडर कर ले, जैसे ये कॉर्नर एटम कंसिडर कर लेते हैं, इससे एसोसिएटेड अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 तीन फेस होते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड है, तो उसी फेस के क्रॉस एक मेरे को यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, ठीक है, और एक अंदर में मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कॉर्नर तीन फेस एसोसिएटेड है और उससे तीन एटम ऐसे मिल गए जो इसके रूट टू ए डिस्टेंस पे है, और हर एक कॉर्नर के अक्रॉस 8 ऐसे क्यूब होते हैं, सो 8 × 3 = 24 हो गया। बट आपको पता है कि फेस पे रहने वाले दो जो भी एटम होते हैं वो दो यूनिट सेल के बीच में कॉमन होते हैं, मतलब अगर एक फेस वाला एटम है तो ये इस साइड वाला यूनिट सेल का भी पार्ट है और इस साइड वाला यूनिट सेल का पार्ट है, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, ये 12 हो गया, ठीक है। सिमिलर फॉर्म में नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट जो होगा रूट 3A होगा। रूट 3A वो कौन से वाला है, रूट 3A है जो अगर मान लो मैं यूनिट सेल फिर से बना लेता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं इस कॉर्नर एटम की बात कर रहा हूँ, इस बार फेस डायगोनल पे ना जाके बॉडी डायगोनल पे जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ से यहाँ, ये इसके नेक्स्ट नियरेस्ट है और दिस इज रूट 3A, ठीक है। अब ये रूट 3A वाले कितने होंगे, तो देखो इससे एसोसिएटेड 8 क्यूब होंगे और हर एक क्यूब में एक होगा, तो 8 है आंसर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट देखेंगे तो 2A डिस्टेंस पे होगा, वो बिल्कुल A के जैसा बिहेव करता है, वो 6 होगा। इसको आप बहुत ही आसानी से थोड़ा शांत दिमाग से बैठ के एनालाइज करेंगे तो आप इसको एनालाइज कर पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नियरेस्ट तो याद रखेंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट भी जरूर याद रखें, जिसको IIT ने कई बार डायरेक्टली पूछ रखा है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। तो देखो डेंसिटी इन जनरल मास पोनेंट वॉल्यूम होता है, तो जो भी सॉलिड की बात कर रहे हैं हम, अगर उसकी डेंसिटी हमें इनको निकालनी है तो वो जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही पूरे सॉलिड की डेंसिटी होगी। या बिल्कुल लॉजिकली कुछ ऐसा है कि अगर मान लो एक कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है और इसमें से आपने 1 ml पानी निकाल दिया, और इस पानी की जो डेंसिटी होगी वो इंटायर इसके अंदर जो भरा हुआ पानी है उसकी भी डेंसिटी वही होगी। आपको पता है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास आप कह सकते हैं कि हर एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी ये चेंज नहीं होता इसकी प्रॉपर्टी। तो सिमिलर फॉर्म में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब यूनिट सेल की डेंसिटी निकालने का मतलब मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सिंपल सी बात। अब यूनिट सेल का मास कैसे आया, यूनिट सेल का मास उसके अंदर एटम से आया है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एक्चुअली ये मेरे को दिखाएगा कि कितने एटम हैं उस यूनिट सेल के अंदर, इंटू एक हर एक एटम का जो भी मास होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये मास ऑफ यूनिट सेल दे देगा, डिवाइडेड बाई अपने को वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए। तो मान लो सिंपल क्यूबिक है तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को जेड लिखते हैं, मास को कैपिटल एम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम निकालना है, मास यहाँ मैं ऐसे अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, मास ऑफ वन एटम अपॉन क्यूबिक है तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, फिर से जेड इंटू मोलर मास अपॉन ए क्यूब हो गया, और एन ए ये जो टर्म है ये मास ऑफ वन एटम देगा, दिस इज एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये डेंसिटी का अपने पास फॉर्मूला हो गया, जेड इंटू मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ऐसे करके हम किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑल वी नीड इज जेड, तो अपने को उस यूनिट सेल के नेचर से समझ में आ जाएगा, मास अगर उसका फॉर्मूला वगैरह पता है तो मास पता चल ही जाएगा, एवोगाड्रो नंबर पता ही होता है, बस यूनिट सेल का साइड लेंथ चाहिए अपने को, ठीक है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल डिस्कस किया, सिंपल क्यूबिक में अपने पास क्या था, सिर्फ स्क्वायर बेस था और उसके ऊपर एग्जैक्टली वही वाला बेस रख दिया, तो AAA टाइप का पैकिंग हो गया। बॉडी सेंटर्ड पैकिंग जो है
ये ए बी टाइप पैकिंग होगा। कैसे देखिए, फर्स्ट लेयर जो है वो सिंपल स्क्वायर बेस रखा हमने, तो आपको ये जो दिख रहा है डार्क लेयर, ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। तो सेकंड लेयर है वो भी स्क्वायर बेस ही है, बट ये वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर में रखा गया है। तो आप देख पा रहे हो जो डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली फर्स्ट लेयर के वॉइड में रखे हुए हैं। वॉइड का मतलब जो खाली जगह हुआ वहाँ पे पुट किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर के वॉइड में इन्हें रखा गया है, तो ये इसीलिए पहला लेयर का नाम तो ए है, बट ये जो डैश डैश वाला लेयर है इसका नाम, ये पहले से डिफरेंट है, तो इसका नाम हमने कुछ बी रख दिया है, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरह से एनालाइज करिए कि जैसे मान लो ये एक सिंपल क्यूबिक है जिसमें सब एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। अब ए किसी के जैसा एटम लिया और ये एटम बिल्कुल हमने इसके सेंटर पे जाके इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया तो अब ये बी सी सी बन गया है। जैसे आप सेंटर पे जाके इंसर्ट कर देंगे तो वो थोड़ा सा बाकी सारे एटम को बाहर की तरफ पुश करेगा, जिसके कारण अब ये जो एटम है ये टचिंग नहीं होंगे, मतलब दिस विल नॉट बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू टू आर। पहले ये ए इज इक्वल टू टू आर था सिंपल यूनिट सेल में, बट बी सी सी में ये वैल्यू, ए की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी 2R से, क्योंकि एटम थोड़े दूर दूर चले गए हैं। इसको आप ऐसे सिंपल फॉर्म में एनालाइज करिए, इस फिगर में आ जाइए, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम होंगे, साथ ही साथ बिल्कुल बॉडी सेंटर पे एक एटम होगा। तो अगर एक्चुअल फॉर्म में देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और आप देख पा रहे ये एटम कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली, थोड़ा सा डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है। और इसी को स्टैक कर देंगे 3D में, तो कुछ इस तरह से 3D फॉर्म में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दिखता है अपने को, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए कैलकुलेशंस कर लें। तो अपने पास देखिए कॉर्नर एटम है, सेंटर एटम है, जो कुछ ऐसा दिख रहा है और एक्चुअल फॉर्म में ऐसा दिख रहा है। तो इसको अगर हम ढंग से देखें तो हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन स्टिल 1/8 है, अपने को पता है, और सेंटर पूरी तरह से अंदर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, अब आपको पता है ए इज नॉट इज इक्वल टू 2R, क्योंकि एटम अलोंग द एज टच नहीं कर रहे हैं, थोड़े थोड़े दूर चले गए हैं, ठीक है। इसको एनालाइज बिल्कुल वैसे ही करना है, एक एटम को सिंपल क्यूबिक में डाके डाल दो बिल्कुल सेंटर पे, तो एटम थोड़ा पुश करेगा बाहर की तरफ ले जाएगा। नाउ दे टच अलोंग द बॉडी डायगोनल। अब जैसे देखो ये मैं इस डायगोनल को लेके इधर लिख देता हूँ, मतलब कुछ इस तरह से। तो ये जो डायगोनल होगा यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी रही होगी कि एक एटम यहाँ पे ऐसा, एक एटम ऐसा और एक एटम ऐसा, ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो ये जो बॉडी डायगोनल है इसका जो लेंथ होगा ये पूरा √3 होता है, ठीक है। और ये r, ये 2R, ये r, तो हम कह सकते हैं कि √3a इज इक्वल टू 4R, सो a इज इक्वल टू 4/√3R। ये a और r के बीच का रिलेशनशिप हो गया बॉडी डायगोनल में। आप देख पा रहे हैं ये पिछले से थोड़ा सा बड़ा है, पिछले केस में a इज इक्वल टू 2R था, a इज इक्वल टू 4/√3R इज एक्चुअली ग्रेटर देन, तो इसको मैं कुछ a डैश बोलता हूँ, इसको a बोलता हूँ, तो a इज ग्रेटर देन a डैश। तो साइड लेंथ बी सी सी का थोड़ा ज़्यादा होगा सिंपल क्यूबिक से। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देख लेते, एक तो पूरा अंदर है, 8 कॉर्नर वाले हैं, तो 8 × 1/8 हो गया 2, पिछले बार 1 था। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए करेंगे जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल डिवाइडेड बाई, आपने क्या करना है, ए क्यूब, तो ए क्यूब करेंगे। तो अब ए क्यूब में अब अपने को पता है कि ए क्यूब जब आप करते हैं तो ए की जगह आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये पूरा का पूरा क्यूब करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्चुअली कुछ इस फॉर्म में, मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, 2 × 4/3 πr³/a³, और a की वैल्यू आप ये रख दीजिए। तो सॉल्व करके ये कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, और ये जब सॉल्व करेंगे तो 0.68 आएगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 68%, पिछले बार 52% था, तो पिछले बार ये थोड़ा बेटर पैकिंग है, स्पेस खाली कम है इसके अंदर, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो स्पेस खाली अराउंड 32% है, पिछले बार जो था वो 48% था। और ये ऑब्वियसली बात है क्योंकि इसके सेंटर पर भी एक आइटम हमने डाल दिया, तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, हर एक, आप देखो बॉडी सेंटर वाला हर एक कॉर्नर को टच कर रहा है, इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे से भी। डेंसिटी की बात करें तो जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन, ऊपर हमने ये फॉर्मूला जनरेट किया था, जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो बात अब कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को ढंग से। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर में ये जो सेंटर एटम है ये एक्चुअली ऊपर वाले चारों को टच कर रहा होगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये सेंटर एटम है, ऊपर वाले चारों को टच कर रहा होगा, नीचे वाले चारों को भी टच कर रहा होगा, इस फिगर में भी आप देख पाएंगे। तो अब जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस है, वो बॉडी डायगोनल का आधा है, √3a/2। तो आप देख रहे हैं नियरेस्ट जो है दैट इज एज 2R जो डिस्टेंस है वो √3a/2 के बराबर है, और ऐसे ऐसे 8 है। नेक्स्ट नियरेस्ट की बात करें तो इसके बाद जैसे मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका नियरेस्ट तो बॉडी सेंटर वाला था, नेक्स्ट नियरेस्ट इसका ये हो जाएगा, ये एटम जो कितना डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, और ए डिस्टेंस वाले हमेशा क्यूबिक अरेंजमेंट में 6 होते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कौन होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट होगा फिर फेस सेंटर वाला,
और फेस सेंटर वाला पिछले बार जो हमने देखा 12 होते हैं, ठीक है। सिमिलर फॉर्म में नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट भी हम निकाल सकते हैं, बट आप शुरू के तीन को जरूर ध्यान रखिए, या डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसको आप बहुत ही अच्छे से एनालाइज करिए। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट, आई विल सॉल्व यू विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको बॉडी डायगोनल की चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से हम सिंपल क्यूबिक और बॉडी डायगोनल क्यूबिक का 3D में अरेंजमेंट देखते हैं, और इसका अरेंजमेंट से एसोसिएटेड परसेंटेज, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन अलॉन्ग विद कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी इस बार जो डिस्कशन किया है वो 3D सिस्टम का डिस्कशन किया है कंसिडरिंग 2D स्क्वायर बेस। नेक्स्ट लेक्चर में विल डू द डिस्कशन ऑफ 3D कंसिडरिंग हेक्सागोनल स्क्वायर बेस, और वहाँ पर और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसको ढंग से समझिए, आप इसके लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप NCERT को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी चीज़ें अच्छे से दे रखी हैं, ढंग से करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।